हेलो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आसमान नीला ही क्यों होता है, पीला, लाल या किसी और कलर का क्यों नहीं होता। तो इसमें सूरज की किरणें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारी गैसों और कणों से मिलकर बना होता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, और हम सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में भी कई सारे रंग होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही रंग सूर्य के प्रकाश में होते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सूर्य के प्रकाश के जितने रंग होते हैं, वो सभी उन पार्टिकल्स या गैस के कण में से बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन जो ब्लू कलर होता है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से जब भी यह उन पार्टिकल से टकराता है तो ये हवा में ही फैल जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब भी सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो जितने भी रंग होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन और जितने भी रंग होते हैं, वो आसानी से पृथ्वी सतह तक आ जाते हैं, जबकि ब्लू कलर हवा में ही फैल जाता है। और यही कारण है कि जब भी हम पृथ्वी से आसमान को देखते हैं तो वो हमें नीला ही दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।